हेलो स्टूडेंट्स, आप क्लास 12। टुडे इन वीडियो लेक्चर वी प्रोवाइड्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड। टुडेज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड दैट इज थर्ड वीडियोज। हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज जो कार्बोक्जिलिक एसिड का है, आज ये थर्ड वीडियोज है जिसमें हम मैक्सिमम प्रॉपर्टीज को देखेंगे, जिसमें कार्बोक्जिलिक एसिड्स किस टाइप का रिएक्ट करके और कौन सा कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COS बॉन्ड। तो COS बॉन्ड्स, जैसे आप जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में डबल बॉन्ड O और यहाँ OH, तो यह OH बॉन्ड के क्लीवेज होने से किस तरह से कंपाउंड फार्मेशन करेगा, तो हम इस पहले इसको फोकस करते हैं। हम आते हैं पॉइंट फर्स्ट, फार्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड्स। तो एनहाइड्राइड में क्या होता है स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड के टू मॉलिक्यूल्स डीहाइड्रिंग एजेंट फास्फोरस पेंटाक्साइड के प्रेजेंस में एक वाटर मॉलिक्यूल्स, ये वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस करेंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल्स इसे एलिमिनेट होगा ऑफ एनहाइड्राइड्स का। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं जिसमें एनहाइड्राइड आपको शो किया जा रहा है कि एथनोइक एसिड्स रिलीज वन वाटर मॉलिक्यूल्स, ये वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा और फॉर्मेशन करता है, दैट इज एथनोइक एनहाइड्राइड्स। ओके, और प्रेजेंस ऑफ P2O5s। सेकेंड हम देख लेते हैं एस्टरीफिकेशन। ऑलरेडी आप जानते हैं कि एसिड रिएक्ट विथ एल्कोहल फॉर्म एस्टर एंड वाटर, ये ऑलरेडी आप लोग पहले जानते हैं, ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। तो एस्टरीफिकेशन में जो हम लोग दिखाते हैं एस्टर फार्मेशन, तो यहाँ एस्टर का फार्मेशन देख रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स एल्कोहल से रिएक्शन करके ये बना रहा है एस्टर्स। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में इसमें देखिए थोड़ा मैकेनिज्म दिखाया गया है, मैकेनिज्म्स। तो स्टूडेंट्स, ये मैकेनिज्म ऑलरेडी पहले हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, और इस मैकेनिज्म को आप केयरफुली देख लीजिएगा, क्योंकि आपको बताया गया है कि एग्जाम में मैकेनिज्म के क्वेश्चंस आते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं रिएक्शन विद PCl3 PCl5 और SOCl2। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको बताया गया था कि जब PCl3 रिएक्शन करता है तो जो OS ग्रुप है तो OS ग्रुप को चेंज कर देता है हैलोजन में। तो जैसे इसके पहले आपको हम दिखा चुके हैं कि जो OH है ROH, अगर इसका रिएक्शन हम PCl3 से RPCl5 से करा देते हैं तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या मिलता है, RCl मिलता है। तो उसी तरह से हम यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड में देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो आपका यह OS बॉन्ड है तो इसका रिएक्शन अगर PCl3 PCl5 या SOCl2 कराते हैं तो ये OH के प्लेस पे क्या मिल जाएगा, Cl। तो सो ये जो आप देख रहे हैं पॉइंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड PCl3 फॉर्म ROCl, सेम ही कंडीशन यहाँ भी PCl5 के साथ ROCl, और ही कंडीशन आपका जो है ये SOCl2 साथ है पर ROCl। ROCl को हम कहते हैं थायोनिल क्लोराइड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स पे, रिएक्शन विथ अमोनिया। तो आप ये जानते हैं कि अमोनिया दैट इज बेसिक नेचर और कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज एस्टिंग नेचर। तो ये अमोनिया जो कार्बोक्सिलिक एसिड सच एज एस्टिक एसिड रिएक्शन करेगा तो सबसे पहले बनाता है एस्टर साल्ट, और इस साल्ट को अगर हम हीट करते हैं तो मिलता है क्या, एमाइड्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अमोनिया से हम क्या ऑप्टेन किए, रिएक्शन करा के एमाइड का फार्मेशन। जैसे यहाँ देख रहे हैं बेंजोइक एसिड रिएक्शन करके फार्मेशन कर रहा है अमोनियम बेंजोइड्स, जिसको हम हीट करेंगे तो फार्मेशन करेगा बेंजामाइड्स। तीसरा से कार्बोक्सिलिक एसिड से एमाइड फार्मेशन किया जा रहा है अमोनिया के थ्रू। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आप क्या देख रहे हैं, ये दैट इज डाइओकेसिड। तो कंडीशन यहाँ भी वही फॉलो होगा, यहाँ भी आपका सॉल्ट बनेगा, ठीक है, यहाँ भी आपका एमाइड बनेगा,
और इसको अगर हम स्ट्रांगली हीट करेंगे, इसमें थोड़ा यहाँ केयर कीजिएगा, जैसे आप ये आपका यह डायोइक मिला, डायोइक्स अमोनिया रिएक्शन करे क्या बनाया, ये डाई साल्ट अमोनियम सल्फेट्स, और उस फिर ये फार्मेशन किया डाइमाइड का फार्मेशन रिंग पर, जिसे हम कहते हैं थैलेमाइड्स। अब ये थैलेमाइड को अगर हम स्ट्रांग हीट करते हैं, स्ट्रांग हीट, तो ऐसे कंडीशन में क्या मिला, थैलेमाइड। ठीक है, तो ये जो है जो आप यहाँ देख रहे हैं फार्मेशन क्या हो रहा है, थैलेमाइड का और थैलेमाइड का, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस। चलिए हम आ जाते हैं अब नेक्स्ट, जिसमें आप देख रहे हैं फोकस किया जा रहा है कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग सी ओ एच ग्रुप। अब इसमें सी ओ एच ग्रुप इन्वॉल्व होगा, तो इसका फर्स्ट रिएक्शन क्या देख रहे हैं, रिडक्शन। तो रिडक्शन स्टूडेंट्स आपको पहले बताया गया था कि कार्बोक्सिलिक का जब रिडक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड रिड्यूस होकर दे देगा आपका जो है अल्कोहल, जैसे इसके पहले हम आपको दिखाए थे वीडियो लेक्चर में कि हम क्या देख रहे हैं कि जो कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक्स, ठीक है, चलिए दोनों दिखा दे रहे हैं, अगर इसका हम जो ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये देता है क्या, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन हम करते हैं तो क्या देता है, अल्कोहल। ठीक है, और जस्ट अपोजिट, आई एम सॉरी या दैट इज मिस्टेक्स, हाँ हम ये दिखाते हैं कि एल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेशियम परमैंगनेट साथ, तो ये क्या दिया था हमें, एल्डिहाइड दिया था, और एल्डिहाइड का हमने जब ऑक्सीडेशन किया था तो हमें क्या मिला था, कार्बोक्सिलिक मिला था। और रिडक्शन में जस्ट अपोजिट होता है, अगर कार्बोक्सिलिक का हम रिडक्शन करेंगे इससे LiAlH4 एलमोनियम लिथियम एलमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो यह कार्बोक्सिलिक प्रोड्यूस करेगा, क्या देगा कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड देगा। अभी एल्डिहाइड का अगर हम रिडक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, एल्कोहल्स। ठीक है, तो इस तरह से हम ये रिएक्शन ऑलरेडी पहले देख भी चुके हैं और यहाँ भी देख रहे हैं, जिस रिएक्शन आपको दिखाया जा रहा है कि ये कार्बोक्सिलिक रिड्यूस हो रहा है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, दैट इज स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट, और फॉर्मेशन कर रहा है अल्कोहल का। चलिए हम आते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट में, दैट इज डी कार्बोक्सिलेशन मीन्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना, CO2 का रिलीज होना। तो इसमें हम क्या दिखा रहे हैं डी कार्बोक्सिलेशन में, कि कार्बोक्सिलिक एसिड लॉस कार्बन डाइऑक्साइड लॉस करता है टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन फॉर्मेशन करेगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, चलिए इसको कंप्लीट रिएक्शन हम दिखा रहे हैं आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड्स ये कंप्लीट रिएक्शन, RCOOH, इसका रिएक्शन कराएंगे NaOH एंड प्रेजेंस ऑफ CO, तो फॉर्म करेगा RCOONA। ओके, अब ये RCOONA अगर इसको हम स्ट्रांगली हीट करते हैं NaOH एंड COA के मिक्सचर से, तो हमें क्या मिलता है, RH प्लस Na2CO3, तो फॉर्मेशन क्या कर रहा है, हाइड्रोकार्बन्स का। तो सेम वही कंडीशन यहाँ भी आपको फॉलो किया जा रहा है, हाँ जो आप यहाँ देख रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट फॉर्मेशन हुआ, रिएक्शन किया सोडा लाइम से और प्रोड्यूस किया RH। ठीक है, तो एल्कली मेटल साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आल्सो अंडरगोज डी कार्बोक्सिलेशन ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ दियर एक्वा सोल्यूशन एंड फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स हैविंग ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसमें कार्बन एटम एक्वा सोल्यूशन एंड फॉर्म हाइड्रोकार्बन हैविंग ट्वाइस नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन एल्किल ग्रुप्स ऑफ द एसिड, द रिएक्शन इज नोन एज कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस।
तो ये जो रिएक्शन है इसमें आप देख रहे हैं दैट इज ये टू कार्बन्स, ये टू कार्बन का जो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है और एल्केन दैट इज वन कार्बन। तो इस रिएक्शन से हम कार्बन नंबर डिक्रीज करते हैं, तो ये कार्बन नंबर डिक्रीज करने का मेथड्स भी है। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हैलोजिनेशंस। हैलोजिनेशंस में क्या देख रहे हैं आप, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग एन अल्फा हाइड्रोजन आर हैलोजिनेटेड एट द अल्फा पोजिशन ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन आर ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस टू गिव अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड। द रिएक्शन इज नोन एज हेल वोलार डेलेंसी रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स ये नेमिंग रिएक्शन है, तो इसको ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नेमिंग रिएक्शन आपको जो है जो नाम यहाँ दिया जा रहा है हेल वोलार्ड डेलेंसी रिएक्शन, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि यह जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है रिएक्शन कर रहा है किससे, हाइड्रोजन से रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में। तो ये प्रोड्यूस कर रहा है आपका यह एक हैलो कंपाउंड्स। तो इसमें क्या है कि जो आप देख रहे हैं कि कम से कम इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग एन अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तीसरा सी जो है रिड्यूस करता है। चलिए अब हाँ, तो स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो का जो ये पॉइंट है रिंग सब्स्टिट्यूशंस, हम आ जाते हैं रिंग सब्स्टिट्यूशंस पे जो एरोमेटिक कंपाउंड देते हैं। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन विच द कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक्ट एज ए डी एक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, दे इन्वॉल्व डू नॉट अंडरगोज फिडल क्रॉब रिएक्शंस बिकॉज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग एंड कैटलिस्ट एल्युमिनियम क्लोराइड्स गेट बॉन्डेड टू द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इसमें जो देख रहे हैं कि जो यहाँ शो कर रहा है स्टूडेंट्स, थोड़ा इसको फोकस कीजिएगा क्योंकि इस पर रीजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि स्टार्टिंग से हम शो कर रहे हैं, स्टार्टिंग से थोड़ा देखिए। एरोमेटिक्स, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन विच द कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक्ट एज ए डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। इसमें क्या है कि मेटा डायरेक्टिंग कंपाउंड बनेगा, पहले फर्स्ट पॉइंट्स। और सेकेंड पॉइंट क्या है कि हाउएवर डू नॉट अंडरगो फिडल क्रॉब रिएक्शन, यह जो फिडल क्रॉब रिएक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, उसका रीजन यह है बिकॉज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग एंड द कैटलिस्ट एल्युमिनियम क्लोराइड लेविस एसिड्स गेट बॉन्डेड टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और ये जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से क्या होगा, एल्युमिनियम क्लोराइड जो बॉन्डेड हो जाएगा और ये जो है फिडल क्रॉब रिएक्शन नहीं देगा। सो इन दिस रिएक्शन वी सी दैट कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड फॉर मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद ब्रोमीन्स एंड फॉर मेटाब्रोमो बेंजोइक एसिड। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे जो है जो हमारे वीडियो लेक्चर्स है कार्बोक्सिलिक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ये कंप्लीट होता है। और इसमें कुछ आपको यहाँ दिया गया है इंटेस्ट क्वेश्चंस, तो इस इंटेस्ट क्वेश्चंस को आप जो है सॉल्व करेंगे जो आपके लिए यहाँ दिया जा रहा है। जो क्वेश्चंस इसमें आप देख रहे हैं, क्वेश्चन फर्स्ट है कि विच एसिड ऑफ ईच पेयर सो हियर वुड बी एक्सपेक्ट टू स्ट्रांगर। तो इसमें आपको यहाँ दिया जा रहा है कि इसमें से कौन सा एसिड स्ट्रांगर है, जो पॉइंट फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो इसमें कौन सा एसिड मोर स्ट्रांगर है। तो यह जो है क्वेश्चंस हम अपने वीडियो लेक्चर एसडी प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक में शो कर चुके हैं। और फोर्थ पॉइंट आपको ये शो किया जा रहा है। इसके बाद आप इसमें देख रहे हैं कुछ यूजेज है, यूजेज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज क्या है। इसमें दिया है मेथनोइक एसिड यूज इन द रबर टेक्सटाइल डाइंग्स लेदर एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग्स इंडस्ट्री।
तो इस तरह से जो मैथनोइक एसिड है जिसे हम लोग फार्मिक एसिड कहते हैं, उसका यूज जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है, फायर रिमूवल हेयर रब, ठीक है। एथनोइक एसिड इज यूज एज ए सॉल्वेंट एंड एज ए विनेगर इन फूड स्टफ। एथनोइक एसिड जो विनेगर आप जानते हैं उसमें एथनोइक एसिड है जिसका यूज फूड स्टफ में करते हैं। एंड हेक्साडाइओक एसिड इज यूजली इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नायलॉन 6-6, नायलॉन 6-6 के प्रिपरेशन में करते हैं हेक्साडाइओक एसिड का, जो नायलॉन 6-6 पॉलीमर्स है। एस्टर ऑफ बेंजोइक एसिड्स आर यूज इन द परफ्यूम। तो बेंजोइक एसिड जो परफ्यूम यूज करते हैं, एस्टरीफिकेशन प्रोसेस में यूज करते हैं। सोडियम बेंजोएट यूज एज ए फूड प्रिजर्वेटिव। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा फोकस कीजिएगा, जो पॉइंट दिया जा रहा है कि सोडियम बेंजोएट ये फूड प्रिजर्वेटिव है, और जो कि डिफरेंट टाइप के फूड में इसको मिक्स करते हैं, जैसे पिकल्स में या जैसे चिप्स है या इस तरह से कुछ ऐसे ड्राई फूड होते हैं जिसमें मिक्स करते हैं। हायर फैटी एसिड आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। जो फैटी एसिड्स है वो सोप सोप और डिटर्जेंट के प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा ये जो है कार्बोक्लिक एसिड की जो प्रॉपर्टीज हैं, यूजेस थे, ये कंप्लीट हुआ। सो रिवाइज इट अगेन अगेंस्ट एंड फाइंड न्यू क्वेश्चंस, हार्ड टाइप क्वेश्चन इन दिस वीडियो लेक्चर्स एंड इन गिवेंस टॉपिक्स। सो थैंक्स।